हाय, मेरा नाम है अरबाज। मैं हूँ रॉयल एलिट आईबीसी बड़ा बिजनेस का, और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सीआरएम के बारे में। सीआरएम क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, पर उससे पहले कुछ रिसर्च डेटा के बारे में सुनते हैं। पहली रिसर्च ये बताती है कि 86% कस्टमर ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हैं अगर उनको अच्छी कस्टमर सर्विस मिले। दूसरी रिसर्च ये बताती है कि जो कंपनी कस्टमर सर्विस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है वो 60% ज़्यादा प्रॉफिट कर पाती हैं कस्टमर सर्विस को ऊपर रख करके। तीसरी रिसर्च ये बताती है कि हर 3 में से 1 कस्टमर अपने पसंदीदा ब्रांड को भी छोड़ देता है अगर उसको 1 नेगेटिव एक्सपीरियंस मिले तो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कस्टमर सर्विस जो है कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। तो हमने ये रिसर्च सुनी, हम ये जान चुके हैं कि कस्टमर सर्विस जो है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। पर क्वेश्चन ये आता है कि हम कस्टमर सर्विस कैसे दे सकते हैं अपने कस्टमर को, अच्छी कस्टमर सर्विस कैसे दें। तो इसका जवाब है सीआरएम। CRM एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके नाम से ही पता लगता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये आपको हेल्प करता है आपके कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बनाने में। रिलेशनशिप बनाने से आपका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका कस्टमर होता है वो आपके साथ में कनेक्टेड रहता है, लंबे टाइम तक कनेक्टेड रहता है, और आपसे जो है ज़्यादा माल परचेज करता है और कई बार लोगों को रेफ़र भी करता है। तो अल्टीमेटली फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो सेल्स होती है आपका प्रॉफिट बढ़ता है इससे, राइट। वैसे CRM के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर आज मैं इस वीडियो में आपसे 3 मेजर बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला बेनिफिट ये होता है कि आज के टाइम में आप सब जानते हैं कि डेटा किंग है। तो अगर आपके पास कस्टमर का डेटा रहता है तो आपको आना चाहिए कि आप अपने कस्टमर के डेटा को सही से मैनेज कर पाएँ, सही से एनालाइज कर पाएँ। तो CRM आपकी हेल्प करता है कि आपके कस्टमर के डेटा को सही से मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है, आप सही से एनालाइज कर पाते हैं अपने डेटा को। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो है ये आपके जो कस्टमर्स हैं उनको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देता है कि कौन कस्टमर आपसे ज़्यादा माल परचेज करते हैं, कौन दिवाली पे परचेज करते हैं, कौन ईद पर परचेज करते हैं। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि आपके जो मेन पोटेंशियल कस्टमर्स हैं आप उनको अच्छी सर्विस दे पाते हैं जिससे आपके साथ में वो लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। दूसरा बेनिफिट CRM का ये होता है कि यह आपके बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लेकर के आता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो कस्टमर सर्विस की टीम होती है, आपकी सेल्स की टीम होती है, आपकी मार्केटिंग की टीम होती है, तो उन सबको पता रहता है कि कब किस कस्टमर से क्या बात करनी है। तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर आता है CRM की मदद से। और तीसरा बेनिफिट CRM का ये होता है कि ये आपकी बिजनेस प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक डैशबोर्ड पर मिल जाती है कि लास्ट मंथ कितना रेवेन्यू हुआ था, अभी इस डेट तक हमारा कितना रेवेन्यू है, और अगर आपको फ्यूचर में कोई गोल अचीव करना है तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क पर जो है आगे स्टेप ले पाते हैं। तो ये थे 3 मेजर बेनिफिट्स CRM के। वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर आपको सारे बेनिफिट्स के बारे में बताऊं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको CRM की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है बड़ा बिजनेस के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोर्स में से। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं फ्यूचर में इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।